चलो लाइट प्रकाश, क्या क्या जानते हैं प्रकाश के बारे में? रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? रिचेस्ट सोर्स मीन सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास प्रकाश का, सन। सन सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। तो 7 सेकंड में सन से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, उससे हमें क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है सन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, ठीक है। और ये है हमारी तरंग, इससे मिलता है हीट, ऊष्मा और लाइट, प्रकाश और ऊष्मा, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो ये भी है कि ये हमें एक्सेसिव क्वांटिटी में भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर लाइट ज्यादा हो गई तो प्रॉब्लम है, जैसे अभी धूप है, बाहर जाने में हमें तकलीफ होती है, आपको तकलीफ होती है। कम हो गई तो तकलीफ है, तो हमें क्या चाहिए? सही गति में, सही क्वांटिटी में चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये भी वैसी है, बहुत ज्यादा हो गई तो शरीर जला देंगे, बहुत कम हो गई तो ठंड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा हो गई तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, यहाँ की बर्फ पिघल जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। कम हो गई तो इसका एरिया बढ़ जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी, ठंड बढ़ने से भी तकलीफ होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे आउटर लेयर है, ओजोन लेयर रहती है, जिसे O3 कहते हैं। ओजोन पूछा जाता है कभी कभी कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, तो क्या है? O3। O2 किसका है? ये तो पता है, ठीक। O2 ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं, O3 ओजोन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ओजोन का लेयर रहता है आउटर साइड में। ये क्या करता है? इससे आने वाली कुछ लाइट और कुछ ऊष्मा क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। ये ऊपर जो आ रही है ना, यहाँ पे गिरेंगी तो ये कुछ क्या कर देती है? लाइट और ऊष्मा बाहर फेंक देती है। ये बाहर फेंकने से क्या होता है? कुछ तो अंदर आ जाती है, जो हमारे लिए एसेंशियल है, जो हमारे शरीर को लगती है, हमें चाहिए। अगर ये ना मिले हमें, इससे अगर ये नहीं मिलता तो बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे स्किन के रोग होते हैं। यानी धूप में रहना भी फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्मफुल धूप में नहीं रहना। बायोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन याद रखना कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है शरीर, ठीक है। पूछा जाता है कि सनलाइट क्यों एसेंशियल, तो विटामिन डी मिलता है जिससे स्किन के रोग नहीं होते, स्किन के रोग के लिए वो लाभकारक है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हम लोग छाव में ही रहते तो सफेद हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें पिगमेंट जो होते हैं हमारे बॉडी के, वो चेंज हो जाते हैं। तो ज्यादा छाव में भी रहना अच्छी बात नहीं, थोड़ा बहुत सनलाइट भी हमें शरीर को चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट, पिछले इसमें पढ़ा था हमने, अभी हम इस पर एक और सेट्रेक करें। तो लाइट जो है, लाइट जो ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, जो हमें दिखता है, उसे कहते हैं हम लोग लुमिनस, ठीक है। एक सेंटेंस लिख लो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा ही है ये, लाइट है। और जिससे वह हमें वस्तु देखने के लिए, जिससे वह हमें वस्तु देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है, जिससे वह हमें देखने के लिए क्षमता प्रदान करता है, उदाहरणार्थ सूर्य लैंप, उदाहरणार्थ सूर्य लैंप,
एग्जाम्पल है लैंप, इस वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुए, इस वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुए, प्रदीप्त वस्तुए भी कहते हैं, इस वस्तु को प्रदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना लुमिनस, जो लुमिनस इन्वर्टर आता है ना, ठीक है, लुमिनस इन्वर्टर जो हमारे सचिन तेंदुलकर जी ऐड करते हैं, ठीक है, उसका मीनिंग होता है प्रदीप्त। प्रदीप्त यानी इससे लाइट मिलता है। अगर मैं लाइट बंद कर दूं और यहाँ से जो प्रकाश है वो भी बंद कर दूं तो अंधेरे में हमें कुछ दिखेगा क्या? नहीं। बट अगर लाइट लगा दी, ठीक है, तो हमें क्या होता है, चीजें दिखाई देना चालू होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं लुमिनस पदार्थ। लुमिनस की बात क्या, लुमिनस वस्तुएं कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं सूर्य और लैंप को। अच्छा है, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, the light emitting matter, example, light emitting matters or particles, example, sun, lamp, etc. sun, lamp, etc. This matter is called luminous. तो luminous कहलाती है चीजें कौन सी, जो हमें दिखाई देने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, लाइट है, सन है। अगर ये नहीं है चीजें, मैंने लाइट बंद कर दी, ठीक है, सब बंद कर दिया और पंखा चालू है, सेंस तो होता है लेकिन दिखाई देता है क्या? तो इनको कहते हैं नॉन लुमिनियस, अप्रदीप्त वस्तुएं। ये और वो, या कोई भी लाइट का सोर्स, जैसे मोबाइल का टॉर्च भी है, वो भी एक लाइट दे रहा है, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, इसीलिए ये लुमिनस सोर्स है। अगर नहीं दिखती लेकिन फील होती है, पंखा चालू है यानी हमें पता है कि पंखा चालू है ठंडी इसीलिए लग रही है, या एसी चालू है इसीलिए ठंडा लग रहा है, ठीक है, बट वो दिखाई दे रही है क्या जब सभी बंद है? तो नहीं। तो इसे नॉन लुमिनियस चीजें कहते हैं, जो दिखाई नहीं देती नॉन लुमिनियस, जो दिखती है वो लुमिनियस। तो ये प्रकाश की वजह से होता है, ठीक है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, डिफरेंस समझ में आ गया। जो दिखाई नहीं देता वो प्रदीप्त, दिखाई देता वो प्रदीप्त। मैंने ये भी कहा था स्पीड ऑफ लाइट, गति, इतनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी रहती है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट 3 m/s, स्पीड ऑफ लाइट में प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति। अभी लिखेंगे हम लोग प्रकाश का तरल सिद्धांत, लॉ ऑफ लाइट और प्रकाश का तरल सिद्धांत। ठीक है, तो क्या क्या दिखाई देता है हमें? यह है सन, तो किस वजह से हमारे पास अर्थ पे लाइट मिल रही है हमें? क्या ये? ये क्या है? कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय, चुंबक और विद्युत, विद्युत चुंबकीय तरंगों से
विद्युत चुंबकीय तरंगों से हमें प्रकाश मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी गेट अ लाइट। विद्युत चुंबकीय तरंगों से हमें प्रकाश मिलता है, ये बताया था हमने, ठीक। भले यहाँ पे ये एरिया में हमें मिलता है गैस, सॉलिड, लिक्विड, सभी चीजें मिलती है यहाँ पे। एक बार बता देता हूँ, विद्युत चुंबकीय तरंग से हमें प्रकाश मिलता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में हमारे पास गैस है, सॉलिड है और लिक्विड है, ये तो समझ में आते हैं। गैस है, घन पदार्थ है और लिक्विड पदार्थ है, द्रव पदार्थ भी है, ठीक है। सन आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों से हमारे पास ये आते हैं, ठीक है। अभी यहां से यहां तक आ रहा है, भले पृथ्वी पर गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, बट ये जोन जो है इसमें कुछ है, वैक्यूम है ना, इस जोन में यहां से लेकर यहां तक वैक्यूम है, ठीक है। भले कुछ अड़चड़े आते होंगे जिसमें हो गैसेस वगैरह, बट मैक्सिमम एरिया किससे बनाएंगे, वैक्यूम से। तो कहने का मतलब यह है कि सन से जो लाइट आता है उसे कोई भी सोर्स की जरूरत नहीं होती, सन से जो लाइट आता है उसे कोई भी जरूरत नहीं होती, कोई सोर्स की जरूरत नहीं होती है, सॉलिड लिक्विड किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। उसी तरीके से अगर वैक्यूम में हम लोग बम फोड़ देते हैं, ठीक है, तो साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड को तैरने के लिए मीडियम का सहारा चाहिए, लेकिन लाइट के लिए मीडियम का सहारा नहीं चाहिए। कहीं अगर हमने वैक्यूम में बम फोड़ दिया और हम लोग देख रहे हैं बाहर से, तो हमें दिखाई देगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, समझा कि नहीं, ठीक है। और यही बात है जो सन पे इतने बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, आपको पता है ना, हीलियम का कन्वर्शन, हाइड्रोजन का कन्वर्शन हीलियम में होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, पता है कि सन पे क्या होता है, सन में केमिकल रिएक्शन होती है जिससे एक एलिमेंट का कन्वर्शन दूसरे में होता है, ठीक है, और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। फटता तो होगा ही ना, तो इतनी जोर जोर से फट रहा है, आवाज क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये वैक्यूम में आवाज नहीं आती, बट लाइट आ सकता है या हीट आ सकती है, समझ में आया। तो इसको तैरने के लिए हमारे पास मीडियम की जरूरत नहीं है, यही सिद्धांत में कहा गया है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, विद्युत प्रकाशित तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से प्रकाश हमारे पास आता है पृथ्वी पर, उसके लिए किसी द्रव, उसके लिए किसी द्रव अथवा गैस की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए द्रव या किसी गैस की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद वो तो देख लिया हमने, ट्रेन टू ट्रेन फॉर एट की स्पीड से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत, प्रकाश का कर्णिका, प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत, यानी एक्चुअली ये ट्रैवलिंग है, ठीक है। लाइट कैसे ट्रैवल करता है, कर्णिका सिद्धांत, कैसे ट्रैवल करता है लाइट, लेजर लाइट मारा है किसी के ऊपर, क्या करता है लेजर लाइट मारा है किसी के ऊपर, अरे हाँ मारा तो हो गया ना भाई, कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, बस वही है, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक। प्रकाश कणों का बना होता है जो अत्यंत, प्रकाश कणों का बना होता है, प्रकाश कणों का बना होता है जो अत्यंत
प्रकाश कणों का बना होता है जो अत्यंत उच्च चाल और सीधी रेशा में प्रगमन करता है, और इन मूल कणों को फोटॉन कहते हैं, इन मूल कणों को फोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, फोटॉन को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। वहां से कुछ रेज आ रही होंगी हमारे आंखों के ऊपर, इसलिए लाइट दिख रहा है हमें, कुछ आ रही है कुछ जा रही है, ठीक है, वहां से कुछ लाइट आ रही है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आती है हमारे आंखों के ऊपर, इसलिए हमें दिखाई देता है। ठीक है, और वो सीधी रेशा में आती है। ठीक है, तो लाइट किस दिशा में ट्रैवल करती है, सीधी दिशा में, यही की बात याद रखना। और उससे जो आते हैं उस कणों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, नेक्स्ट हेडिंग दो, प्रकाश का परावर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ लाइट और प्रकाश का परावर्तन कैसे कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था हमने, मे बी 10th स्टैंडर्ड है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ से हम एक लाइट देते हैं, अच्छा ट्रैवल करता है। एक एक्सपेरिमेंट, एक पिन होल वाला एक्सपेरिमेंट है, लाइक टॉर्च नहीं लगाते, इधर एक स्लैब लेते हैं और पीछे के साइड से देखते हैं, और वैसे ही हम लोग पेपर पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह हमने अगर एक लाइट सोर्स लिया तो वो यहाँ हम देख रहे हैं तो उसे कैसा दिखेगा, ये आकर ये लाइट है। हमें क्या करते हैं, एक स्लैब ले ली कांच की और इधर हम खड़े यहाँ से देख रहे हैं उस साइड में लाइट चल रहा है, और हम जब डायरेक्शन देखते हैं कि कैसे ट्रैवल कर रहा है, तो पहले वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में उसने ट्रैवल कर लिया, यहाँ से वो यहाँ पे मुड़ गया और फिर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना चालू कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से ये मुड़ा क्यों, ठीक है, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये जो प्रोसेस है ना, यहाँ से मुड़ा, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। कुछ लाइट इधर भी चलती होगी, टकराई है तो वापस तो जाएगी, जैसे हमारे ओजोन लेयर से टकरा के कुछ लाइट वापस जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, और कोई चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है, खींच लेती है, जैसे मैंने बताया था कि सन से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलती है, और क्यों मिलता है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल्स है ना उस लाइट को खींच लेते हैं। अगर कोई चीज को खींच रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करना। ये तो पंच क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना वाटर को, एब्जॉर्ब तो पता है ना, तो उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे चलती है, कुछ चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस चली जाती, रिफ्लेक्ट होना है वापस होना, परिवर्तन हो जाता, चलो वापस जानी चाहिए। कुछ चीजें क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अंदर की तरफ चली जाती है, और कुछ चीजें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये आपको एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा इसका वाटर में, पानी में। पानी में भी मछलियों को लाइट लगता है, ठीक है, वो क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। लाइट रेस पानी के ऊपर जब गिरती है, ठीक है, तो ऊपर की सतह का ही पानी गर्म होता है, नीचे में पानी ठंडा ही रहता है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि लाइट रे जो है ऑब्जर्व ऊपर के साइड में ही होती है, नीचे में क्या हो जाता है उसे ठंडा ही रहता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जब लाइट एक स्लैब पर गिरता है या किसी भी वस्तु पर गिरता है तो वो तीन जगह पे ट्रांसफर होता है, एक तो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्रैक्ट होता है या ऑब्जर्व हो जाता है। तो इसे इनको भी क्या क्या कहते हैं हिंदी में मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है लिख लो। प्रकाश जब ये डायग्राम हो और ये डायग्राम याद रहे तो आपको बहुत सी चीजें इससे ही पता चल जाएगा। ये निकाल कर आएगा होता है परावर्तन, ठीक है। तो चीजें जब लाइट की सोर्स एक कोई भी स्लैब पर कोई भी सतह पर गिरती है तो एक तो अवशोषित होगी, संचारित होगी या परिवर्तित होगी। ठीक है, समझ में आया क्या? तो तीन चीजों में इसका डिवीजन होता है। ओजोन लेयर से क्या होती है, दो चीजें बनती है, अंदर भी जाती है और ये तीनों चीजें हमारे ओजोन लेयर पे भी चलती है। कुछ ऑब्जर्व हो जाती है, हम लोग कुछ खींच लेते हैं जो हमारी इनिशियल है, कुछ बाहर भेज देते हैं। ठीक है, अगर ओजोन लेयर निकल गई तो क्या होगा, सनलाइट हमारे ऊपर डायरेक्ट गिरेगा, जो टेम्परेचर हमारा अभी जैसे 37 है समझ लो बाहर का, वो 52-51 तक भी आ गया। तो यहाँ पे हमारे जो पेड़ है अच्छे हरे वाले पेड़ वो जलना चालू हो जाएंगे अपने आप, घर तो नहीं जल पाएगा लेकिन पेड़ जलना चालू हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सीएफसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन को। ठीक है, या हमारे N2SO2 जो है ईंधन जो निकल रहे हैं, ठीक है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर अच्छी से बनी रहे, बरकरार रहे। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे होती है। तो कुछ अभी इसमें ये जो है ये सबसे ज्यादा कौन करता होगा, मैंने एक पंडा बताया था आपको, ये और ये तो इनका इंटरमीडिएटर है तो छोड़ दो रिफ्रैक्शन वाला, ये सबसे ज्यादा कौन करता होगा और ये सबसे ज्यादा कौन करता होगा, मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में बताया था आपको। ठीक है, तो धूप काले में हम क्या करते हैं, ब्लैक कपड़े पहनते हैं, क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर जो लाइट आ रही है उसे क्या करना है हमें, तो ये इसलिए यूज होता है या सफेद के लिए। ये सफेद चीजें जब आती है हमारे वो क्या कर देती है, ये काम ज्यादा करती है। अगर ज्यादा से ज्यादा हमें गर्मी लेनी है तो क्या कर देते हैं हम लोग, काले कपड़े लेते हैं, उससे क्या कर देते हैं, गर्मी खींच लेते हैं। जो काले कपड़े पहनते हैं उनको गर्मी ज्यादा लगेगी, कभी बाहर जाओगे एज कम्पेयर टू व्हाइट वालों, समझ में आया। तो सफेद कलर क्या कर देता है, रिफ्लेक्शन का काम करता है या परिवर्तित कर देता है, नहीं चाहिए मुझे, इस
इसलिए सफेद कपड़े पहनने के बाद हमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम लगता है बॉडी का, काले कपड़े पहन लिए तो ज्यादा गर्मी लगती है। इसलिए आपको देखना ज्यादा से ज्यादा स्वेटर वगैरह जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, वाइट भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादातर स्वेटर्स वगैरह हमें ब्लैक कलर के, क्यों? क्योंकि वो क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अभी ये हो गया, समझ लो ये कांच है, वाटर में भी ऐसा होता होगा कि वाटर भी एक रिफ्लेक्टिव मीडियम है, ठीक है, वाटर में भी होता होगा। तो ये पानी, मैंने क्या बताया था, एयर में लाइट की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट लिखा है 3 to 10 to the power 7 meters per second, ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये कांच में से जा रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना, ये रोकने वाली चीज है ना, सॉलिड चीज है, रोकने वाली कांच है। तो ये कभी कभार पूछ लेता है, तो ये भी लिख लो, कांच में स्पीड होती है 2.5 × 10⁸ meters per second। उसी तरीके से पानी भी एक रोकने वाला मीडियम है, तो वहां पे होती है 2 × 10⁸ meters per second स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति। इसी डायग्राम में अभी और एक चीज है, सिंपल है, कुछ नहीं, ये हमने एक इंक्लिनेशन दिया है, इसको अगर मैं 90 डिग्री पे ले लेता हूँ, इसको मैंने अभी 90 डिग्री एक लाइन बना दी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये अगर इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट हो रहा, ठीक है, इंसिडेंट हो रहा, तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्शन एंगल है, इसे कहेंगे आर, ठीक है। अगर कोई चीज को मैं अगर लेजर लाइट यहाँ पे मारता हूँ तो उसी एंगल में वो इधर जाएगा कि ऐसा इधर उधर भागेगा, स्ट्रेट लाइट में ट्रैवल करता है तो ऐसा आएगा तो ऐसा ही जाएगा। तो यही प्रकाश के नियम में कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आए ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपातन कोण सदैव परातन कोण के बराबर होता है, अपातन कोण इसे कहते हैं अपातन, अपातन कोण ये होता है परावर्तन, परावर्तन कोण के बराबर। तो हमने आने वाली और जाने वाली चीज, एब्जॉर्ब करने वाली चीज भी देख ली और जाने वाली, बचा ये वाला, ये बचा है, ये तो पता, खींच लेना, एब्जॉर्ब कर लेना या वापस भेज देना, ये चीज क्या होती है, ये चीज किस में काम आती है? फिलहाल कहते तो हमारे पास ब्रॉडबैंड है, ठीक है, ब्रॉडबैंड है, लेकिन फिर भी मोबाइल स्पीड कम है, ठीक है, जो डेटा दिखाता है वो कम आता है। आपने फाइबर ऑप्टिक केबल का नाम सुना है? फाइबर ऑप्टिक केबल का नाम सुना है, ठीक है। एडवांस में इंडिया में कुछ कुछ जगह ही चालू है। एक्चुअली क्या है, हमारे मोबाइल में जो डाटा आता है या फिर कोई भी चीज कॉल आती है, किस फॉर्म में आता है, एक सिग्नल के फॉर्म में आता है,
ठीक है, जैसे मुझे आपको कॉल करना है तो यहाँ से यहाँ कॉल नहीं लगता, यहाँ से जाएंगे सोर्स पे, सोर्स कैप्चर करेगा, उसको मॉड्यूलेट करेगा, फिर रिसीवर को देगा, डिमॉड्यूलेट करेगा और आपकी तरफ भेजेगा, यानी यहाँ से पुणे में जाएगा टावर पे, वहां से प्रोसेस होंगी और आपको आएंगे, डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा। तो ये चीजें इंटरनेट के बारे में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसे जल्द से जल्द हो, तो हमारे पास अभी तक सबसे फास्ट मीडियम कौन सा है, अभी तक स्पीड में कौन सा फास्ट देखा है, स्पीड ऑफ लाइट ही देखा है, ऊर्जा में स्पीड ऑफ लाइट ही देखा है ना। तो इसीलिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हम क्या करते हैं, सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ लाइट भेजते हैं, यानी इसकी स्पीड कितनी रहेगी, ठीक है। ये क्या कर देता है, यही की यही रिफ्लेक्ट होकर ट्रैवल करता है, तो कितने स्पीड से भागेगा, तो इतने स्पीड से जब भागेगा तो ये अगर सेंड करने वाला है और ये रिसीव करने वाला है, ठीक है, तो कितनी स्पीड में रिसीव करेगा, ये सेंड कर रहा है वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये इस वजह से हुआ है फाइबर ऑप्टिक केबल, और इसमें हमने ये फंडा यूज किया है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, अंदर के अंदर ही वो क्या कर देता है, ट्रैवल करता है क्विकली, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में ये चीज यूज होती है, रिफ्रैक्शन का फंडा कहाँ पे यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल में इंटरनल, यही यही रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, और ट्रैवल करते हैं, इसके बाहर नहीं जाते। क्या ये गोभी का फूल मत बोलना, हीरा है सदा के लिए, ठीक है। मैंने ये बताया था कि हीरा जो है उसमें एक फंडा होता है, वो सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर कर सकता है, क्यों, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो अगर जो हीट ट्रांसफर कर सकता है वो लाइट भी कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफर कर सकता है, लाइट भी ट्रांसफर कर सकता है। आपने वो बीम्स वगैरह मूवीज में देखी होंगी, डायमंड से गिराते हैं तो डायमंड से वो रिफ्लेक्ट होके फिर आयरन मैन देख लेना सेकंड पार्ट, ठीक है। लाइट सोर्स आता है यहाँ पे वो इंटरनल रिफ्लेक्ट होता है और एक स्ट्रेट लाइन में बीम छोड़ देता है, जो हीट प्रोड्यूस करता है या लाइट प्रोड्यूस करता है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यहां से हमने एक लाइट दे दिया, इसके ऊपर आया और ये सोर्स से इधर चला गया, तो ये जो है, तो यहाँ पे हीट और लाइट, प्रकाश और गति, ऊष्मा और प्रकाश इतना ज्यादा होता है, इतना इंटेंस होता है कि बहुत ही ज्यादा वो पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो सोर्स है हीरा, वो क्या कर देता है, इंटर में ये प्रोसेस अप्लाई करता है रिफ्लेक्शन, इसको इसके देगा, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल से बना होता है, सर कैरेट्स कहते हैं, ठीक है, 24 कैरेट प्योर होता है, ये तो पता है, ठीक है, प्योरिटी नाम की चीज तो होती नहीं लेकिन नियरली इक्वल टू प्योर होता है। तो ये क्या कर देता है, एक पार्टिकल अपनी ऊर्जा दूसरे को देता है, दूसरा पहले को देता है, तीसरे को देता है, चौथे को देता है, ऐसे कंटिन्यूसली इसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर एक ही जगह पे 50 जन है, इस रूम में अगर मैं 50 जन को भर्ती कर दूं, ठीक है, तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, गर्मी बढ़ती है तो हीट और लाइट एक मिनट के साथ ही है, तो इससे लाइट भी बढ़ेगा। अगर ये इसमें होता है डायमंड, एक को अगर प्रकाश मिल गया तो एक प्रकाश किसको देता है, लाखों को भेज देता है, लाखों से करोड़ों में फैल जाते हैं, करोड़ों से अरबों में फैल जाते हैं, और जब ये बाहर निकलता है तो एक साथ एक का प्रकाश का कन्वर्शन 10^8 में हो जाता है। एक आदमी एक प्रकाश बीम गया और इतने फास्ट में निकला, ठीक है,
एक गया और इतना पास निकला तो ऑब्वियसली एनर्जी बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस रहेगी। तो ये भी फंडा कहा यूज होता है रिफ्लेक्शन का डायमंड में। उसी तरीके से जो भी हमें चीज चमकती हुई दिखती है, दिखाई दूंगा जो हो गया ये पहले कर लेते हैं, जो भी चीज हमें चमकती हुई दिखती है वो इसकी वजह से दिखती है। जैसे हम लोग रेती देखते हैं तो कभी कभी चमकता है, ग्लास रास्ते पे गिरा हुआ ग्लास दिखता है चमकता है, कॉइन फेंका हुआ है ठीक है, ऐसा जैसे धूप में कॉइन फेंका हुआ है तो हमें दिखता है, धूप में या लाइट के नीचे भी कॉइन फेंका हुआ तो दिखता है, क्यों दिखता है इसमें इसकी वजह से। एक दो सेंटेंस लिखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग। पहला लिखेंगे हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान भी चमकता है, गर्मी के मौसम में रेगिस्तान भी चमकता है और मेरी चीका दिखती है। क्या होती है मेरी चीका? चमकी, जमीन पर चमकी दिखती है ना, धूप में देखो किसी रेती के ढेर पर, अभी भी यहाँ पे गिरी होंगी ना वो देख लेना, उसके ऊपर ऐसा लगता है कि रेती के ऊपर चमकी फेंकी हुई है ठीक है। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान चमकता है, हाँ, और मेरी चीका दिखती है, मेरी चीका चमकी, अरे धूप कहीं भी देख लो दिख जाएंगे आपको चमकी ठीक है। चिकित्सा, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, चिकित्सा और प्रकाश सिग्नल के संचारण एवं चिकित्सा और प्रकाश सिग्नल के संचारण एवं विद्युत सिग्नल भेजने में आंतरिक परावर्तन उपयोग में आता है, चिकित्सा और प्रकाश के सिग्नल विद्युत सिग्नल, चिकित्सा और प्रकाश के सिग्नल के संचारण एवं विद्युत सिग्नल को भेजने के लिए भी काम में आता है। और फाइबर ऑप्टिक में भी यूज होता है ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या सभी इंग्लिश में चाहिए आपको? फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए यूज होता है, उसके बाद मेडिकल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड एंड रिसीव, उसके बाद डायमंड में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद प्रतिबिंब, शैडो क्या होता है? शैडो क्या होती है? अगर लाइट नहीं रहा तो शैडो दिखती है क्या? नहीं। तो शैडो क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन है। नहीं समझ में? अगर बंद कर दूं और एक ही लाइट का सोर्स रखूं, ये बंद करूं तो मेरी शैडो इस साइड में गिरेगी,
लाइट के आने के अपोजिट साइड में हमेशा शैडो रहती है, या प्रतिबिंब जिसे कहते हैं। इधर दिखेंगी लाइट के सामने में, सामने में नहीं दिखती, शरीर की शैडो थी, लाइट जहाँ से आता है उसके पीछे में, यहाँ से लाइट आ रहा है तो उनके पीछे में आपकी शैडो दिख रही है, आपके पीछे में आपकी शैडो है, मेरे को यहाँ से दिख रही है, ठीक है, मेरी यहाँ पे दिखेगी क्यों, इस लाइट की वजह से, किसी को इधर दिखेगी इस लाइट की वजह से। तो प्रतिबिंब क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। एक सेंटेंस लिख लो, एक प्रतिबिंब एक प्रकाशित छाया होती है, शैडो के बारे में दिख रहा है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट, शैडो। देखो मैं बताता हूँ, प्रतिबिंब एक प्रकाशित छाया होती है, प्रतिबिंब एक प्रकाशित छाया होती है, जब किसी वस्तु में आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होती है, जब किसी वस्तु में आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होती है, तब प्रतिबिंब बनता है, रिफ्लेक्शन। वापस भेजते हैं, ये लाइट आ रहा है मेरे ऊपर, ठीक है भाई, ये लाइट को क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो, और ये प्रकाश इधर नहीं जा पा रहा है, तो इधर वाला जो पीछे वाला एरिया है ये क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगी ना मेरी, नहीं समझ, ये लाइट ले रहा हूं मैं, यहां से जितना मेरा शरीर है उतना एरिया यहाँ पे दिखेगा नहीं, लाइट का सोर्स नहीं जा पाएगा, तो वहां पे क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगी, वही लिखा है। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये लाइट आया ऐसा सीधा आया और वापस चला गया, सीधा आया वापस, ऊपर से जो जाएगा तो शैडो बनेगी क्या, नहीं, यहाँ से जो यहाँ रुका, यहाँ से लेकर पैर तक, यहाँ से शैडो बनेगी, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें भी दो चीजें, वास्तविक है और अभाषित है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। अच्छा क्या होता है वो भी सोच लो, ठीक है, वास्तविक और आभासिक क्या है, ये जो है कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, ठीक है, प्रोजेक्टर देखा आपने, मूवी प्रोजेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्टर से लाइट कहाँ पे गिरती है, बोर्ड पे या फिर पर्दे पे गिरती है, तो पूरा दिखता है मूवी, क्लियर व्यू दिखता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं वास्तविक, वास्तविकता में दिखता है, ये जो है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, तो ये वास्तविक है बट दिखता नहीं, तो इसे वास्तविक कहते हैं। मूवी पूरी तरीके से दिखती है हमें, प्रोजेक्टर दिया मैंने मार के, तो पूरी पिक्चर हमें क्लियर दिखती है, तो वो हो गया वास्तविक, और जो नहीं दिखती क्योंकि बहुत धूप में चला गया तो लाइट मेरी शैडो नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है, तो ये अवास्तविक में आता है, बस एक सिंपल कंसेप्ट है, जो दिखता है वास्तविक है, नहीं दिखता अवास्तविक है। पेपर देखा है आपने, तो पेपर कोई भी नॉर्मल पेपर ले लो, नीचे में देखना कलर पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कलर पेपर नीचे में ऐसे चार कलर दिए होते हैं, ऐसे तो पांच होने चाहिए,
पर तीन इंपॉर्टेंटली डी ही डी होते हैं, ये तो आपको पता है, ब्लैक होगा और व्हाइट होगा। तो व्हाइट तो दिया नहीं रहता लेकिन ब्लैक तक दिया रहता है। ये जो तीन कलर होते हैं ये कौन से कलर होते हैं? बराबर देखना, रेड येलो ग्रीन नहीं होते। घर जाना पेपर देखना, पेपर है क्या? ये पेपर देख लो कौन सा रेड येलो ग्रीन दिख रहा है आपको पेपर में। पिंक कलर रहता है, देख लो नीचे में दिए ना कलर आपको पेपर में, सभी जगह दिए। तो ये पूछा जाता है एक्चुअली पेपर में, रंगों का मिश्रण, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कलर कौन से हो गए? तीन बेसिक कलर है आपको पता है, कौन से है? लाल है, ग्रीन है, ठीक है, और कौन सा है? ग्रीन, हरा और ठीक है। लाल और हरे को मिक्स कर दिया, आपको पता है कि लाल हरा पीला नीला ये हमारे कलर दिखते हैं, लेकिन पीला नहीं होता। क्यों? क्योंकि लाल और हरे से मिलकर क्या बनता है? नीला। लाल और हरे से मिलकर क्या बनता है, कौन सा कलर बनता है? उसमें कलर दिया है, देखो पहला कलर कौन सा है? दूसरा ब्लू, तीसरा पिंक और चौथा येलो। तो व्हाइट और हरे से बनता है ना ब्लैक कलर, तो कौन सा कलर बनता है लाल और हरे से मिलकर? पीला। पीला कलर बनता है, ठीक है। हरा और नीला, हरा और नीला इसे इसे पीकॉक नीला कहते हैं। ठीक है, और लाल और नीला इससे मिलकर मैजेंटा कलर बनता है। लाल और नीले से मिलकर मैजेंटा कलर बनता है। ब्लैक कलर कैसे भी बन जाता है, और ये और ये और ब्लैक यही आपके पेपर में दिए गए कलर है। समझ में आए? समझ में आए? पीला कलर, मैजेंटा कलर और पीकॉक नीला कलर, यही कलर आपके पेपर में है और उसे से सभी पेपर के डिजाइन होती है। लाल हरा और नीले से पेपर के कलर नहीं बनते। तो ये क्या है? पेपर के लिए। एक दो तीन इनसे ही बनकर वो रैपर के भी कलर बनते हैं, आपके ड्रेस के कलर बनते हैं। अरे ये और ये इनसे ही ये और ये बना है। तो ये और ये इनसे ये और ये नहीं बना सकते हम लोग। समझ में है क्या? लाल हरा और नीला इससे ही पीला पिकॉक नीला और मैजेंटा कलर बने हैं। पेपर में पीला पिकॉक नीला और मैजेंटा कलर यूज होता है, ठीक है। इसे साइन कहते हैं, मैजेंटा को मैजेंटा कहते हैं और इसे येलो कहते हैं, इसे साइन कलर कहते हैं। साइन नाम है, साइन कलर कहते हैं मैजेंटा और येलो, रेड ग्रीन और ब्लू।
तो पेपर में कौन से कलर होते हैं? पीला, नीला, पिकॉक नीला और मैजेंटा, यानी येलो, साइन एंड मैजेंटा कलर, समझ में आया? और ब्लैक कलर, व्हाइट का नहीं दिया क्योंकि पेपर व्हाइट ही बना होता है पीछे का, ठीक है। टेलीविजन में कौन से कलर होते हैं? टेलीविजन में लाल, हरा और नीला। तो ये दो चीजें लिख लो कि पेपर जब होता है हमारा पेपर, ये लोकल पेपर है या कोई भी पेपर है, उसमें पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा कलर बनाते हैं, और टेलीविजन में, टीवी में लाल, हरा और नीले कलर का यूज होता है, और इसीलिए इसे प्राथमिक कलर भी कहा जाता है। टेलीविजन वाले लाल, हरा और नीले प्राथमिक कलर है हमारे। न्यूज़पेपर में कौन सा कलर? न्यूज में पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा, येलो, ब्लू और ना 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 ना, पीला, पीकॉक नीला और मैजेंटा कलर पेपर में यूज होते हैं, पेपर बनाने में पेपर के कलर है, ठीक है। और पीला, हरा और सॉरी लाल, हरा और नीला ये टेलीविजन में यूज होते हैं, टीवी में हमारे, ठीक है। अभी सिंपल काम काम की चीजें देखेंगे हम लोग। उसके बाद है हमारे आंखों का जो है, आंखों की डायग्राम है, क्योंकि आंखें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आंखों का हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे, यानी उसका रिलेशन में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर भी दो चार चीजें बता देता हूँ मैं। अगर मुझे पास का नहीं दिखता कौन सा रोग हुआ है? मायोपिया। मायोपिया अगर पास का नहीं दिखता, कोई चीजें किसी चीज को पास की चीजें नहीं दिखती, तो कौन सा रोग होता है? मायोपिया। ये जो लिख लो पहला, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि, मायोपिया। मायोपिया पास का नहीं दिखता, ठीक है, दूर का नहीं दिखता, दीर्घ दृष्टि, हाँ, तो उसे कहते हैं हम लोग हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रो दूर का नहीं दिखता। पास का नहीं दिखता और दूर का नहीं दिखता, कुछ जगह जगह पे मिडल का भी नहीं दिखता होगा, ठीक है, उसे जरा दूर दृष्टि कहते हैं, जरा दूर दृष्टि। तीसरा, जरा दूर दृष्टि इसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। Yes.
ठीक है, जरा प्रेस बार। तो एक ये देखते हैं कि हम लोग जब निकट की चीजें नहीं देखते तो हम लोग क्या करते हैं, आके फाड़ फाड़ के देखते हैं। देखना, ऑब्जर्व करना, आके लंबी करके देखेंगे, ठीक है। तो आई बॉल जो होती है वो उनके रेटिनास के डायरेक्शन क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जब दूर की चीजें नहीं देखते तो आके छोटी करके देखते हैं, ऐसे नहीं देखते क्या, ठीक है। नहीं, ये रियलिटी है, इसके साथ रिलेशन है। तो हमारे पिपल सब कम कर देते हैं, मिडल में तो ऐसे ही देखते रहते दिखे ना। एक्चुअली ये चीजें होती है, जब आंखों का ऑपरेशन करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, सिर्फ ये जो हमारे पिपल्स है वो कुछ डायरेक्शन से हट जाते हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखने से, मोबाइल देखने से, ठीक है, या फिर आंखों में कुछ चला गया उसकी वजह से, या बहुत ज्यादा आके हम लोग जब कुछ करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे लेंसेज जो बराबर लगे होते हैं 6x6 की, वो हट के थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं हमारे को, जरा सो मेनी फैक्टर हमारे बताया, मोबाइल की वजह से होता है नीचे, या फिर माँ बाप की वजह से होता है इंटरनली, बहुत सारी चीजों की वजह से। अभी एक साल का दो साल का बच्चा उसे दिख नहीं रहा है, वो क्या मोबाइल पे खेलते रहता क्या, ठीक। तो ये चीजें, ये पिपल को डिसलोकेट होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से ये जो लाइट आ रही है उसके ऊपर प्रॉपर लाइट नहीं गिर पाती आंखों में, आंखों में प्रॉपर लाइट गिर नहीं पाती। ये रोग, ये रोग या ये रोग, तीनों में से कोई भी हो सकता है। जो अंधाधुंध है ये तीनों नहीं होते क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन ही नहीं आते आंखों में, आंखें नहीं होती ऐसा नहीं है, अंधे की भी आंखें होती है पर उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होती नहीं, ये लाइट सोर्स जा ही नहीं पाते अंदर, जा नहीं पाएंगे तो ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाएंगे, तो समझ नहीं आएगा कि ये चीज क्या है। जो अंधा होता है उसे आंखें तो रहती है, नहीं भी रहे, नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको आंखें है फिर वो अंधा है तो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होता, उसके ब्रेन को सिग्नल ही नहीं दे पाते कि ये वाली चीज सामने खड़ी है, ठीक है। तो उसको छोड़ दो, जिनको नहीं दिखते या दूर का नहीं दिखता या पास का नहीं दिखता या मिडल में नहीं दिखता, उनको ये रोग होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, आंखों को बड़ा कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, दूर में देखना को ऐसा दिखते हैं, आंखें छोटी कर देते हैं, धुंधला दिखता है तो ये है, ठीक है। तो जरा सी दूर में ही धुंधला दिखेगा ना, पास में कौन सा धुंधला दिखने वाला है तुम्हारे को, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आपको के बारे में पढ़ लेंगे, वैसे ज्यादा इसमें पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। तो रेड येलो सॉरी रेड ग्रीन और ब्लू ये हमारे प्राइमरी कलर है, उसके बाद मैंने बचाया था मैजेंटा साइन और येलो, ये हमारे सेकेंडरी कलर्स है, ठीक है। और बाकी दो है, कौन से है, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है।